आठवीं शुरुआत 6 बजे गेट बंद हो चुके हैं, क्या स्थिति रही और पूरे चुनाव में जिस तरह से छुटपुट घटनाएं हुई है क्या कहना उसको लेकर? कार्यकर्ताओं में उत्साह, ये सतपाल ब्रह्मचारी ने चुनाव नहीं लड़ा, ये जनता ने चुनाव लड़ा। जनता बदलाव चाहती है, जनता नशे से त्रस्त हो चुकी थी। आपने देखा, आपने स्वयं कई बार धर्मशाला आश्रम भी ना बख्शे हों जिस व्यक्ति ने, और हमने अगर दूध पिलाने की कोशिश की तो उस पर भी उन्होंने आपत्ति लगाई। ये मेरा चुनाव जो है वो हरिद्वार की जनता ने लड़ा है। क्या लग रहा है आपको? मुझे लग रहा है बढ़िया कितनी उम्मीद लग रही है आपको? मेरे को तो उम्मीद जीत की लग रही है मान्यवर। कितनी बड़ी जीत माने? मैं तो अच्छे वोटों से जीत मान रहा हूँ। एक झगड़ा भी हुआ ब्रह्मपुरी में, मेरे कार्यकर्ता को पीटा, जबकि मेरे मर्यादा के खिलाफ मुझे भी गुस्सा आया। जब एक कार्यकर्ता, छोटा कार्यकर्ता, उसको 10 आदमी पीट रहे हैं, मुझे सूचना मिली, मैं ज्वालापुर में था, तब तक हम गए, तब तक लोगों ने छुड़ा दिया, पुलिस भी आ गई थी, इंस्पेक्टर मेरे बाद आया, मुझे गुस्सा आया, मैंने इस पुलिस पे कहा, मैंने कहा शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को, मेरा कार्यकर्ता अगर पिटता है तो मैं स्वयं सोचूंगा, मेरे आगे पीछे कुछ नहीं है। मैंने मेरा कार्यकर्ता पिटा तो समझना सतपाल ब्रह्मचारी की लाश जाएगी यहाँ से। तो गुस्सा आ गया थोड़ा सा, मैंने हाथ पैर जोड़ लिया, मैं चल ठीक है भाई। आपके साथ भी हुआ कुछ वादा नहीं? मेरे साथ कहीं नहीं हुआ, खामखा मैं झूठ बोलूं, और आप लोगों की कृपा से कई बार अटैक कोशिश हुए, खन्ना नगर में हुआ, विवेक विहार में हुआ, कनखल में हुआ, और एक जगह आपका बैरागी कैंप में हुआ। ऐसे सामाजिक तत्व हैं, वो हमारी निगाह में है, सारा शहर जानता उनको, वो चाहते थे, आज भी चाहते थे वहाँ खड़गड़ी। मैंने अपने माननीय मंत्री जी को खुद ऐसे हाथ में बाहर किया, मैंने कभी कोई पत्थर मार दे, कोई चप्पल मार दे तो बदनामी हमारी है। हैं तो भाई नेता, क्या दिक्कत है, लड़ना चाहिए व्यवहारिकता से। लेकिन इस हरिद्वार की मर्यादा को ख़त्म करने में उस व्यक्ति ने ऐसे ऐसे द्रव्य, मादक द्रव्य जो हरिद्वार में आ भी नहीं सकते, वो परोसने का काम किया है। दारू है, स्मैक है, अंडा है, मांस है। उस भाई से आप पूछ सकते हो गंगा जल उठा के कि आपने हरिद्वार में क्या क्या नहीं किया। मैं गंगा जल उठा के हर की पैड़ी में खड़ा हो सकता हूँ। सतपाल ब्रह्मचारी ने किसी को एक रुपए की दारू दी हो तो मेरा सर्वनाश हो जाए। माना जाए कि पूरा का पूरा चुनाव ये नशे पे डिपेंड रहा। पूरा मेरा नशा था, मेरा एक नारा था बहुत पहले से, नशा हो गया, भ्रष्टाचार हो गया, नशा मुक्त हो हरिद्वार, रोजगार युक्त हो हरिद्वार। अगर आप जीतते महाराज जी तो क्या नशा मुक्त हो जाएगा? बिल्कुल भैया, नशे समय को हरिद्वार में नहीं रहने दूंगा। हरिद्वार ड्राई एरिया है, उसका अक्सर से पालन कराऊंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, कितनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़े। ठीक।